सरकार डरी हुई है, लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाएगा। अडानी मामले पर सड़क से लेकर संसद तक बवाल जारी है। अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को देश भर में प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी का भी इस मामले पर बड़ा बयान आया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है ये भी देश को पता चले। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में चर्चा हो। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो, सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पर डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे पर सोमवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं संसद के बाहर भी संग्राम देखने को मिला। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सोमवार को अडानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले को लेकर संसद भवन के परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। विपक्ष ने संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC गठित करने या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। जनता ने आपको चुनकर भेजा है, मजदूरों पे पलटा है,